अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए किया स्पोर्टेज, इसका एक डोर लगा हुआ है, उसको हम लोग रिपेयर करेंगे और उसके बाद रिपेंट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो गाइस, ये हमारे किया स्पोर्टेज आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका ओनली यहाँ पे ये वाला जो डोर है ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये, और थोड़ा सा इधर पेंट चला गया हुआ है और बाकी ये लगा हुआ है, स्क्रैच लगे हुए हैं। इसको हम लोग रिपेयर करेंगे और उसके बाद रीपेंट कर देंगे। अभी इसको हम लोग फर्स्ट सेंडिंग करेंगे और उसके बाद इसको माजून लगाएंगे, और माजून लगाने के बाद इसका लेवल है ये बराबर हो जाएगा, और उसके बाद सेंडिंग होगी और उसके बाद इसका पेंट होगा। तो देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग रिपेयर करके रीपेंट करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट हम ये देख सकते हैं आप, ये स्टिकर लगा होता है कंपनी का यहाँ पे, अगर ये हम लोग नहीं निकालेंगे जब हम इसको पेंट करेंगे, इसके ऊपर लेकर आएगा क्लियर कोट लगेगा या पेंट लगेगा तो ये क्रैक हो जाएगा। ये स्टिकर नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, आप देख सकते हैं बाद में ये क्रैक हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग पहले रिमूव करेंगे, निकाल देते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसको सेंडिंग करेंगे और ये भी रिपेयर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, और आप लोग इसमें सीखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। वो पेपर मैंने निकाल दिया हुआ है, कुछ लोग नहीं निकालते हैं, मैंने अक्सर देखा है मेरे पास गाड़ियाँ आती हैं उसका पेंट बाद में ये क्रैक हो जाता है। तो बेहतर ये होता है अगर इसको हम लोग निकाल देंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, वरना ये हम लोग पेंट कर देंगे फौरन नहीं फटेगा, 8 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने के बाद ये लोग ये जो पीस है ये वाला एरिया ये लाजम क्रैक करेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये बॉडी नहीं है, लोहा नहीं है। तो अगर आयरन होगा तो पेंट चलेगा, लेकिन ये प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक के ऊपर पेंट लाजम फटेगा, इसको फाड़ देगा। तो इसलिए इसको ज़रूर रिमूव करना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो परफेक्ट रहे और दिखने में भी अच्छा लगे और कस्टमर को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको बताना चाहिए ये हमने निकाल दिया हुआ है। तो ये ओरिजिनल गाड़ी में आता है, तो और भी लगे हुए हैं इसके पेपर, उधर आगे वाले डोर में भी लगा हुआ है, उस तरफ भी लगा हुआ है, ये कंपनी से आता है। बेसिकली ये इसलिए होता है जब हम लोग डोर खोलते हैं तो किधर लगता है तो हमारा पेंट ख़राब नहीं होगा, इधर ये पेपर लगा होगा इसके ऊपर लगेगा। तो ये स्पेशल किस्म का ये पेपर होता है, थोड़ा हार्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम जल्दी से इसको बाकी काम जो है इसको स्टार्ट करते हैं इसका, और माजून लगाते हैं, देखते रहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको मैंने सेंडिंग किया है, और यहाँ पे हाँ ये देखें, इधर थोड़ा सा डेंट है और थोड़ा सा डेंट इधर है, तो हल्का हल्का माजून लगाएंगे और ये रिफिल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेंडिंग करेंगे, इसका लेवल कर देंगे ताकि ऐसा हाथ लगा के देखेंगे और दिखने में भी ये जब एक जैसा हो जाएगा तो हम लोग फाइनल इसको पेंट करेंगे और इसको प्राइमर लगाएंगे, माजून लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए एंड दोस्तों, अब हम इसको लगाएंगे माजून, और माजून लगाने के लिए हमारे पास एक ये चीज़ होनी चाहिए और इसका साथी ये है, इसको बोलते हैं हम लोग नैले बोलते हैं, स्क्रैपर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखें ये पाकिस्तानी डिज़ाइन से हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये ऐसे इसको काट लेते हैं ताकि माजून लगाते वक्त ये बहुत ज़बरदस्त कारम साबित होते हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग इसको नहीं काटते हैं, लेकिन जो हम लोगों के उस्ताद हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जो काम होता है वो इसको ऐसा काट के रखते हैं ताकि, और ये बहुत तेज़ होता है इधर से, इस
इसको अगर ऐसा दबा के काटेंगे तो ये उंगली भी काट सकता है, बहुत तेज़ होता है। तो हमें अभी इसको इसके ऊपर माजून बनाएंगे और उसके बाद इसको लगाएंगे। तो देखते हैं माजून कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट हम ये वाला नला जाएगा माजून के अंदर, तो इसी तरह हम लोगों ने माजून ले लेनी है और इसके ऊपर इसको इधर रख दिया होती है। अभी ये माजून ऐसे लगाएंगे तो ये ड्राई नहीं होगी, इसके लिए इसका हार्डनर आता है, ये है इसका हार्डनर, आप देख सकते हैं रेड कलर में। तो अभी इसमें इसको थोड़ी सी मिकदार में ऐसा मिक्स करना होता है, माजून की जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी और हार्डनर की मिकदार जो वो थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये ड्राई करने के लिए काम देता है, ये जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। तो अभी हम इसको जल्दी से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं इसी तरीके से इसको मिक्स किया जाता है। से मार्जिन लगाएंगे हम लोग, और मैंने ये मार्जिन लगा दी हुई है, अभी एक दो बार और लगाएंगे, जो इसके मजीद डेंट रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद सैंडिंग करेंगे और उसके बाद प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद आएगी डीको मार्जिन, डीको पुट्टी बोलते हैं इसको, वो लगाएंगे और उसकी सैंडिंग के बाद इसका फाइनल पेंट आएगा। तो देखते हैं आगे वाले। तो गाइस मार्जिन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसकी सैंडिंग करेंगे और आगे देखते हैं ये कैसे रेडी होगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाइस, तो लेवल है वो बराबर हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे प्राइमर, प्राइमर लगाने के बाद डीको मार्जिन लगाएंगे और उसके बाद सैंडिंग होगी और उसके बाद फाइनल पेंट हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। गाड़ी हमारी माशाल्लाह फाइनल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए हुए हैं। अब फाइनली इसको पेंट लगाएंगे और पेंट लगाने के बाद ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आप लोगों को कैसी लगी ये गाड़ी, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो मज़ीद। तो बने रही मेरे चैनल के साथ, तो अभी इसको फाइनल पेंट लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी बिल्कुल फाइनल रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और अगर किसी भाई को पेंट के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मुझसे ले सकता है, मैं हाज़िर हूँ। सही है, और कोई आदमी गाड़ी का काम जो सीखना चाहता है पेंट का, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इधर अमारात दुबई में हूँ, तो इधर कोई अगर आना चाहता है मेरे पास तो वेलकम, आ सकता है, मैं काम सिखाने के लिए रेडी हूँ। और अगर कोई पाकिस्तान में सीखना चाहता है तो भी मुझे बताएँ, मेरे बाबा जो मेरे साथ भी हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हरुणाबाद के मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके मेरे बाबा से काम वो लोग सीख सकते हैं फ्री में, कुछ चार्ज नहीं करेंगे। सही है, और अगर अमारात में कोई काम सीखना चाहता है तो वीज़ा लेके आ जाएं, मैं काम आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। जो हुनर है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आदमी को हुनर सीखना चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब से बेहतर है कि आप अपना काम सीखें, अपने पाँव पे खड़े हों। किसी भी जॉब से बेहतर मेरे ख्याल से तो आदमी को हुनर सीखना चाहिए ज़रूर,
मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी का काम ही सीखें, कुछ ना कुछ कुछ भी जो हुनर है वो लाजम सीखें, ताकि अगर आप लोग नौकरी करते हो, किसी के साथ जॉब करते हो, आपको निकाल देगा, लेकिन हुनर आपके हाथ में रहेगा। सही है, मेरे दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सीखें, कोई भी सीख लें, बैंडिंग, पेंडिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, कार के शोबे में बहुत ज़्यादा जो हुनर है वो हैं। अगर कोई आदमी सीखना चाहता है तो ज़रूर सीखना चाहिए उसको। गाइस फाइनली मैंने न्यूज़पेपर हटा दिए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर मैच हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब बस अभी पॉलिश का काम बाकी है, पॉलिश तकरीबन करेंगे 3 से 4 दिन के बाद पॉलिश करते हैं हम लोग, क्योंकि पेंट जो है वो बराबर ड्राई हो जाता है और उसके बाद हम लोग इसको पॉलिश करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी मस्त हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये ड्राइव के लिए रेडी है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।